बिग बॉस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा साह। कटिहार के बमकाली मंदिर में मां काली की प्राकृतिक रूप का पूजन होता है। इस मंदिर की अनोखी कहानी को जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लगभग 200 साल पुराना इस मंदिर में पीपल के पेड़ को ही मां काली के रूप में मानकर लोग पूजा करते हैं। एक और बात इस मंदिर की बेहद खास है कि यहां 2400 घंटा पूजा अर्चना चलता है और इस मंदिर में पूजा के लिए कोई पंडित या पुरोहित नहीं है। आप खुद से ही तन मन से शुद्ध होकर इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लोगों की मन्नत पूरा होने के कारण यहां सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के साथ साथ बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश से भी लोग अपनी मन्नतें पूरा होने पर पूजा चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर से जुड़े आस्था की अनोखी कहानी पर एक विशेष रिपोर्ट। काली का यहाँ जागृत रूप है, कोई आकार नहीं जो दिव्य को पूर्ण करती है। ये अपने बिहार से भी लोग आते हैं, यूपी के भी लोग आते हैं, अपने लोकल जिला कटिहार पूर्णिया सीमांचल के भी लोग यहाँ लोग आते हैं। नहीं पंडित नहीं, पंडित है ना कोई पुरोहित है। आप स्वेच्छा से आके अपना पूजा कर, उसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। क्या खास चढ़ाया जाता है कुछ इस तरह? नहीं, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, बलि है, चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं वो। देखिए यहाँ जो है ना माता जो है बहुत मूर्ति पूजा वगैरह सब कई जगह पे होता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक रूप से जो है बमकाली माता का मंदिर है और ये अंग्रेज के ज़माने के पूर्व से ही है। यहाँ हम लोगों के पूर्वज या ग्रामीणों का मानना है कि माता जागृत रूप पे यहाँ पेड़ पे ही निवास करती है, इसलिए यहाँ कभी भी मूर्ति पूजन नहीं किया गया, बल्कि इस पेड़ का ही लोग काली पूजा बम काली माता का निवास स्थान समझ के इनका पूजा करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे कभी आज तक पंडित को नहीं रखा गया है, कोई भी आदमी स्वेच्छा से श्रद्धा से यहाँ पूजा कर सकते हैं और 2400 घंटा यहाँ दरबार इनका खुला हुआ रहता है। कौन सा पेड़ है ये? पहले तो शीर्ष का पेड़ था, वह धीरे धीरे सूखते गया और उसी स्थान पर आज की तारीख में पीपल का पेड़ आ गया है, तो पीपल पेड़ को ही हम लोग माँ बम काली का निवास स्थल समझ के इसको पूजा कर रहे हैं। अच्छा, एक मान्यता कि इस परिसर में आपको कोई झूठ नहीं बता? नहीं, आज तक यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गांव में भी मामला हुआ है तो इस परिसर में कोई भी व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता है। यहीं पर परिचित जी, यहीं पे करीब कई मामलों का निपटारा भी किया गया है इसी कैंपस में, तो कभी भी जो है यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता है। संजीव कुमार राय, बम। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।